और देखिए चुनाव में समय क्यों लाए, मुझे बताइए ऐसे कोई छह महीने हमारे देश में जाते हैं क्या जब कहीं ना कहीं चुनाव ना हो? अगर तीन महीने पहले लाता तो आप कहते मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान के बसेरा के चुनाव के लिए लाए हो, उससे पहले लाता तो आप कहते थे कर्नाटक के चुनाव के लिए लाया हो। यानी हिंदुस्तान में चुनाव साल में दोनों बार चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते, और इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव देश में एक साथ हो जाए, पांच साल में एक बार ही चुनाव ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए शिक्षा की सीटें हैं उसमें 10% की वृद्धि कर दी।
अपना हक छीना जाए। आज लोग इस तरह जरूरता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर जो हमारे समाज में एक खाई बनी उसके आधार पर मैं बदलो देश की मांग कर रही हूँ। इस मांग को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि हमें अब उन ताकतों से भी सावधान रहना है जो अपने स्वार्थ के लिए अफवाहों का बाजार गर्म करने में जुट गई। गरीबों के दुश्मन ऐसे लोग सोशल मीडिया से लेकर के बड़े बड़े मंच पर अटूट बनाने भ्रम फैलाने के काम में जुट गए। समाज में बंटवारे से जिनका समाज नहीं हो पाए हर चम हर साजिश को हमें पूरी तरह परास्त सरकार ने एक और नागरिकता के लिए ये देश के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके मुताबिक हम सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो कभी भारत भूमि का ही हिस्सा थे बंटवारे के समय और उसके बाद अलग अलग परिस्थितियों के चलते जो हमसे अलग हुए उनका अगर आस्था के आधार पर शोषण होता है तो भारत और उसके साथ खड़ा जरूरी है। मुझे विश्वास है कि उसकी व्यवस्था की इस कदम का विरोध कर रहे हैं वो भी भावना को समझे। साथियों भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने 4.5 साल पहले मुझे जो आदेश दिया उस पर भी मैं पूरी क्षमता से खड़ा उतरने का प्रयास कर। इस कारण कैसे चौकीदार के खिलाफ उनके सारे झूठ को बेनकाब कर दिया।
और हमारे रक्षा मंत्री एक के बाद एक सत्य को पार्लियामेंट के सदन पर रख रहे थे। ऐसे बोखला गए, ऐसा बोखला गए, वो हमारे का अपमान करना पड़ता है। एक महिला रक्षा मंत्री का अपमान कर रहे हैं। ये रक्षा मंत्री का नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति का अपमान है और जिसकी कीमत ये गैर जिम्मेवार नेता को चुकाने को और इस तरह एक राहत चालू है वो इतना पूरा पूरा फायदा होगा। अच्छे भाइयों बहनों, जीएसटी को व्यापारियों और उपभोक्ताओं के 8 साल करने की प्रक्रिया के अंतर्गत जन भागीदारी से चलने वाली ये सरकार आप सभी से मिल रहे सुझावों पर अमल कर रही है और इसलिए हमने अब जीएसटी काउंसिल से आग्रह किया है कि जीएसटी के दायरे में आने वाले उद्यमों की आय सीमा को मैंने बहुत आग्रह किया है, मेरे मेरे हाथ में नहीं है, मेरे जीएसटी काउंसिल के हाथ में। जीएसटी काउंसिल में सभी राजनीतिक दल की सरकारें हैं, सभी राज्य सरकारें हैं, हम उद्यम ने मिलकर के निर्णय करना है। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया है कि जीएसटी के दायरे में आने वाले उद्यमों की आय सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 75 लाख तक किया जाए। इसके अलावा 75 लाख
का प्रयास इंडियन निरंतर करता रहा हूँ और आपके आशीर्वाद बने रहे। आगे नहीं गए इस ईमानदारी के रास्ते पर समर्पण भाव से आपकी और देशवासियों की सेवा करता है। आप सभी के विश्वास सहयोग का परिणाम है कि सबका नाम सबका विकास का कुर्सी ले लो बाहर कुर्सी ले लो कुर्सी ले लो और